हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारे पास आज कुछ गंजी है जिसको कि लोग शकरकंद कहते हैं। तो शकरकंद यानी कि गंजी हम आपको आज उबाल कर दिखाएंगे। मिट्टी में उबाला जाएगा, उबालने के लिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस तरह हम पानी में अब तक उबालते थे, लेकिन एक नई ट्रिक मिली है हमको, बिना पानी के ही हमारा जो सिंघाड़ा उबल जाएगा। सबसे पहले हमको जो है उस सिंघाड़ा और गंजी को धुल लेना है। दिखाओ भाई। दोस्तों ये देखिए, मैं गंजी और सिंघाड़ा इसमें पानी में डाल रही हूँ। निकाल के दिखाओ। ये देखिए, क्या कर रही हो इसको? धुल नहीं, मैं फूलों को पानी डाल के आई हूँ। तब गंजी नाटी या देखिए, ये मट्टी रही, इसी मट्टी के सहायता से हम लोग इस सिंघाड़ा को उबालेंगे। और हमारी छोटी बेटी जानवी राव, जो कि देख सकते हैं अभी दाना खा रही है और चाय पी रही है। तो देख, क्योंकि कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ धुल कर ही खाना चाहिए। और हाँ, गुलाब जामुन आप लोग धुल कर नहीं खाइएगा, तो वरना बेकार हो जाएगा। तो देखिए जानवी राव क्या बता रही है। भाई हाँ दोस्तों, मैं चाय पी रही हूँ, मेरे दीदी गंजी सिंघाड़ा धो रही है। हाँ, तो आइए दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा जो गंजी और सिंघाड़ा उबाला जाएगा, वो भी मिट्टी में उबाला जाएगा। और आग की सहायता से आप गैस पर भी इसको उबाल सकते हैं और चूल्हे पर भी उबाल सकते हैं। तो इसको उबालने के लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं करनी है। अभी हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम अपने सिंघाड़ा और गंजी को उबालेंगे। और दोस्तों, इस तरह से अगर आप उबालते हैं तो यह जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसमें स्वाद बढ़ जाता है। क्योंकि कोई मसाला नहीं पड़ता, लेकिन स्वाद बढ़ जाता है। यकीनन मानिए, आप लोग इसको कभी अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप इसको चेक करके देखिए, इस तरह से प्रयोग करके देखिए, आप लोगों को इसका लाभ, इसका फ़ायदा, इसका स्वाद ज़रूर मिलेगा। तो आइए मिलवाते हैं हमारी वाइफ से। हाँ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं जो गंजी और सिंघाड़े को उबाल कर दिखाऊंगी, बिल्कुल नए और जो कि नए ट्रिक से दिखाऊंगी किस तरह से बिना पानी के गंजी और सिंघाड़े जो उबाला जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बदेला ली हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक पतीली है। देखिए मिट्टी है, मैं मिट्टी इसमें डाल दूंगी, पानी नहीं डालूंगी। मिट्टी की सहायता से हमारी गंजी और जो कि सिंघाड़ा जो उबल जाएगा बिल्कुल नए और आसान तरीके से, पानी नहीं डालना है। तो देख सकते हैं मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा इसमें रख दिया जाएगा, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं डालेंगे तो पतीली जल जाएगी। इसलिए पतीली ना जले, इसलिए इसको मिट्टी को हम लोग डालते हैं। देखिए गंजी बहुत बड़ी है, इसको छोटा कर देती हूँ चक्की की सहायता से काट करके। देखिए छोटा हो गया, अब मैं इसको उबालूंगी, मिट्टी में रख लूंगी। यह बिल्कुल आसान तरीके से उबल जाएगी। देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको नीचे रख देंगे और ऊपर से इस पर सिंघाड़ा रख देंगे। हाँ, देखिए इसी तरह आलू भी उबालते हैं, आलू भी आसानी से उबल जाएगा मिट्टी की सहायता से। देखिए मैं सिंघाड़ा और गंजी दोनों को रख रही हूँ, एक ही जो कि सिंघाड़ा और गंजी को जो कि अलग अलग भी उबाल सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह से हम लोग इसको पतीली में रख देंगे। हमको थोड़ा सा उबालना है, आप चाहे तो ज़्यादा भी उबाल सकते हैं, और सिंघाड़ा भी अलग उबाल सकते हैं, और गंजी भी अलग उबाल सकते हैं, आलू भी अलग उबाल सकते हैं। या ट्रिक और देखिए, यह पूरी तरह से पतीली भर गई है। और अब ले चलते हैं इसको हम आग पर, ले चलते हैं चूल्हे पर। तो आइए दोस्तों, हम आ चुके हैं अब चूल्हे के पास। हाँ देखिए, जो कि आग जल रही है, मैं इस पे रख देती हूँ गंजी और जो भदेली को, देखिए इस तरह से मैं इसको ढक दूंगी ताकि इसकी बाफ ना निकले। यह जो आधा घंटा तक के रख देती हूँ, यह उबल जाएगा, यह पतीला जलेगा नहीं। हाँ,
देखो हम इसको जो कि गैस पर ही उबाल सकते हैं, जो चूल्हे पर ही उबाल सकते हैं, दोनों में उबला जाएगा यार। देखिए इस तरह से मैं मर्ची की सहायता से जो है कि मैं उबालती हूँ, बहुत आसानी बहुत स्वादिष्ट होता है ये जो बिना पानी के उबालते हैं। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि हमारा जो गंजी और सिंघाड़ा हमने पतीली में करके चूल्हे पर रख दिया है और पक रही है। और यह ट्रिक ये हमारी बसंती हैं, इन्होंने बताया है और इनके पास बहुत सारी ट्रिक हैं खाना बनाने की। लेकिन इनका चैनल जो कि सिलाई संबंधित है, वरना खाना बनाने का बहुत कई तरीका इनको पता है। कभी कभी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनकी कुछ ट्रिक्स आप लोगों को भी बताता रहूँगा। तो दोस्तों जब तक कंजी और सिंघाड़ा उबल रहे हैं तब तक हम लोग कुछ बाहर की सीन देख लेते हैं हमारे घर की। तो दोस्तों हमको इसके लिए लगभग आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पतीली पूरी भरी है और इसमें भाप की वजह से यह जो सिंघाड़ा पकता है। बताइए। हाँ दोस्तों देखिए जो कि गंजी और सिंघाड़ा मैं बिल्कुल नए और आसान तरीके से मैं उबाल कर दिखाई हूँ कि किस तरह से गंजी और सिंघाड़ा बिना पानी के उबाल सकते हैं। जैसे ये सिर्फ आग में जैसे भुना लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसीलिए मैं जो कि मिट्टी की सहायता से ही गंजी और सिंघाड़े को उबालती हूँ। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से जब भी हमको गंजी और सिंघाड़ा उबालना होता है तो यह मिट्टी वाला ट्रिक हम लोग आजमाते हैं और इस तरह से हम लोग अपना जो गंजी और सिंघाड़ा पका लेते हैं। आप लोग भी उबाल सकते हैं बिना पानी के, मिट्टी में उबाल सकते हैं। अगर आप खाने का स्वाद देख सकते हैं कि अगर हम गंजी या सिंघाड़ा उबालती हूँ तो जो कि इसको पहले इसकी धुलाई कर लेनी चाहिए। धुलाई करने के बाद ही इसको उबालना चाहिए, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी जो कि लगी रहती है, इसलिए उसमें जो है कि उसको जो धुलाई करना बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों देखिए बहुत ही काम की बात है यार। और अगर आप धुलाई किए रहेंगे, चूँकि गंजी होती है बालू वाली जगह पर पैदावार इसकी होती है, तो उसमें बालू का असर ना चला जाए, हमको दांत में किरकिरा सा लगेगा। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम जब भी ऐसी चीज़ों को उबालते हैं, चाहे आलू ही क्यों ना हो, उसको धुलाई करके ही उबालना चाहिए। उससे जो कि कंकड़ मिट्टी पत्थर और बालू जैसी समस्याएं हमारे सामने देखने को नहीं मिलेंगी। तो बने रहिए दोस्तों, अभी हम कुछ देर में हम इनको टेस्ट करके देखते हैं कि कहां तक पहुंचा है। वैसे तो आधा घंटे के आसपास लग जाता है और यहां जो गंजी और सिंघाड़ा पक करके तैयार हो जाता है। ये देखिए जानवी राव भी आ गई है। बताओ भाई कच्चे में इसमें पढ़ती, बताओ। हाँ दोस्तों मैं कक्षा एक में पढ़ती हूँ और इधर मेरी मम्मी है और इधर मेरे पापा है। और क्या हो रहा है? और तुम्हारी दीदी कहाँ है? मेरी तो भूल सक गई है। ठंडी लग रही है का? हाँ। इधर बन रहा है। क्या बन रहा है? सिंघाड़ा गंजी। कौन खाएगा? मैं, दीदी, पापा, अब्बा, मम्मी। अच्छा रुको भाई। हाँ मम्मी इसको खाना देती है, दो डंडा मारती है, इसको दुलार करती है, मुझको खिलाती भी है, मुझको खिलाती है, और बताओ मुझको पीटते भी है। छोटा सा पतीली भी है। तो आगे हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार से हमारा जो गंजी और सिंघाड़ा कामयाब होता है, कितने समय में पकता है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हाय दोस्तों देखिए अब हमारा गंजी सिंघाड़ा लगभग पक चुका है और आधे घंटे हो चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर पक गया है या नहीं पका है, क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं और देखते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। देखिए हाजिर, तो देखिए जो कि आधा घंटे हो चुके हैं, देखिए हमारा गंजी और सिंघाड़ा पक चुका है। मैं देखिए चूल्हे से उतार दिया गया है
और अब इसका टेस्ट होता है। सबसे पहले इसको ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं अभी भाप निकल रहा है। और अब इसको खाली कर लेते हैं हम, पौना या कलछुल के हिसाब से इसको निकाल लेंगे। देखिए हमारा गंजी और सिंघाड़ा निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी गर्म है, देख सकते हैं गर्मा गर्म एकदम इसमें से भाप निकल रहा है। और जो आटा छीक दे, फिर थोड़ी सी हसन का छीक दे, फिर बन गया जलेबा। चलो दीदी बहुत अच्छा हो गया है। हाय दोस्तों, एक टोकरी में गंजी और एक टोकरी में सिंघाड़ा निकल गया है। बोलो। हाय दोस्तों, मैं आज पेट भर के खाऊंगी। मैं भी खाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा गंजी और सिंघाड़ा पक चुका है, और एक भी गंजी इसमें से आपको जली नहीं मिलेगी। अभी हम दिखाते हैं, अभी निकल जाने दीजिए, पीछे जाओ। और देख सकते हैं पतीली में जो मिट्टी रखी गई थी, यह किस तरह से दिखती है देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिट्टी काली हो गई है, और इस मिट्टी से दोबारा चाहे फिर आप पका सकते हैं। आपको बार बार मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है। और देख सकते हैं पतीली का अंदर का मामला, अंदर का पेंदी जो एकदम साफ सुथरा है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं आपको होने वाली है। और अब पतीली को बगल रख देते हैं, और हम अपना गंजी दिखा देते हैं। हम देखिए, मैं गंजी का जो छिलका निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से या पूरी तरह से देखिए पक चुकी है। ये देखिए एकदम साफ सुथरी गंजी, ना कहीं जलेगी ना तो इसमें पानी का अंश रहेगा, क्योंकि पानी डाला नहीं गया था, इसलिए अब काफ़ी टेस्टी और बहुत सुंदर गंजी होने वाली है। हमने छोटी गंजी इसलिए लाया क्योंकि कम समय में पक जाए। आप बड़ी गंजी भी उबाल सकते हैं, बस थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आएगी। यह ब्लॉगिंग वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आप लोगों को गंजी और सिंघाड़ा और आलू उबालने की विधि बताई है। तो आप लोग इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप लोग इसको एक बार टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए हमारा गंजी और सिंघाड़ा पक चुका है मट्टी में, देखिए कितनी अच्छी से हमारी बच्चियां भी खा रही है। ठंडा का आप लोग भी कर सकते हैं, मट्टी में उगा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो तो अब हमारा गंजी पक गया है। अब हम इसका थोड़ा सा स्वाद लेकर देखते हैं, जो कि छीला जा रहा है, इसका छिलका उतार देंगे, उसके बाद खाएंगे। कैसे खाएंगे देखिए, इसको हम लोग चखते हैं। देखिए अभी तो बहुत गर्मा गर्म है, और अब हम इसको खाकर देखते हैं। तुम भी खाओगी? देखो तुम ही खाओ तो भाई। खाओ थोड़ी सी, खाओ भाई थोड़ी सी, खाओ मुंह जल जाएगा। और एक बार अब हम भी खिला दें, देखिए एक बार हम भी इनको खिला दें। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त। बाय बाय।